नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ मेघा कौशल। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आज करवा चौथ का दिन है, बेहद खास त्यौहार होता है और महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि इस दिन वो व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो इस बार करवा चौथ पर क्या खास संयोग बन रहा है, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार करवा चौथ है, तो किस तरह से आपको इसे मनाना है, किस समय जो चांद है वो दर्शन देगा जिसे देखकर आप अपना व्रत खोल सकती हैं, ये आज हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ समस्याओं के समाधान भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले मुहूर्त संयोग जो है वो जानना चाहेंगे। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ चौथ माता का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। हमारी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी महिला दर्शकों को, विवाहित महिला दर्शकों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली करवा चौथ व्रत के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। सबसे पहले आज का शुभ संयोग जान लेते हैं। आज सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ व्रत महापर्व, आज दिनांक 17 अक्टूबर 2019 गुरुवार के दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आज प्रातःकाल 6:49 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि कल सुबह अगले दिन प्रातः 7:29 पर खत्म हो जाएगी। चूंकि करवा चौथ व्रत विधान चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि में बताया गया है, अतः चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि आज दिनांक 17 अक्टूबर 2019 गुरुवार के दिन होने से इस बार करवा चौथ का महापर्व आज ही मनाया जाएगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखें, लाभ उठाइएगा। लगभग 70 वर्षों में पहली बार करवा चौथ पर अति शुभ संयोग बन पड़ा है। चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र में उदय होगा और अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहेगा, और इस बार रोहिणी नक्षत्र के साथ मंगल का योग होना, रोहिणी नक्षत्र के साथ मंगल का योग होना करवा चौथ को अधिक मंगलकारी बना रहा है। मार्कंडेय योग, सत्यभामा योग का निर्वाण भी होगा। ऐसे अद्भुत संयोगों में करवा चौथ के व्रत को और भी शुभ फलदायी बना देता है। शास्त्रों के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में चंद्रोदय होने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की पूजा से स्त्रियों के रोग शोक दूर होते हैं। बिल्कुल, तो करवा चौथ पर इस बार किस तरह से शुभ मुहूर्त है ये आज हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, इस शुभ मुहूर्त का आप लाभ उठाइएगा। 70 साल बाद ऐसा संयोग पंडित जी बन रहा है, तो ये बेहद खास भी है, क्योंकि चंद्रोदय का सबको इंतज़ार रहता है। महिलाएं जो होती हैं वो चाहती हैं जल्दी से चांद दिखे, व्रत अपना जो है खोले। तो चंद्रोदय का समय क्या है आज? जी आइए, बिल्कुल करवा चौथ का पूजा का मुहूर्त, सबसे शुभ मुहूर्त मैं आपको बता देता हूँ। सायकाल 5:55 से सायकाल 7:32 तक करवा चौथ पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम को 5:55 से शाम को 7:32 तक करवा चौथ पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। वही चंद्रोदय का जो स्टैंडर्ड टाइम है, चंद्रोदय का जो स्टैंडर्ड टाइम रहेगा वो रात 8:27 पे होगा। तो करवा चौथ पे चांद का जो उदय का जो समय रहेगा 8:27 पर रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो चंद्रोदय का समय भी बता दिया। और दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो हम आपको आपकी समस्याओं का समाधान भी देंगे। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी, अब
जो करवा चौथ का दिन है तो इस दिन हम पूजा भी करते हैं, तो किस तरह से पूजा करनी है, पूजा विधि जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए समझ लेते हैं करवा चौथ पूजा की सरल विधि। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर करवा की पूजा आराधना कर उसके साथ साथ में भोलेनाथ की माँ पार्वती की पूजा का विधान माना गया है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करके अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए करवा चौथ के दिन शिव पार्वती की पूजा भी की जाती है। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में पूजा इत्यादि करें जब, तो संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा रखकर ये संकल्प करें कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का आज मैं व्रत रख रही हूँ, मेरे व्रत को पूर्ण फल प्रदान कीजिएगा। पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प लेना है और यथाशक्ति निराहार रहना है। शाम के समय पूजन स्थान पर एक साफ लाल कपड़ा बिछाकर, एक चौकी के ऊपर साफ लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान भोलेनाथ, शिव पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी की स्थापना करनी है, तस्वीर की स्थापना करें, मूर्ति की स्थापना करें। पूजन स्थान पर मिट्टी का करवा रखना है, उस करवे में थोड़ा सा धान और एक रुपये का सिक्का रखना है, इसके ऊपर एक लाल कपड़ा और रखना है, एक और करवा रखना है जिसमें आपको मीठा पानी भर के रखना है, उसका मुख भी लाल कपड़े से आपको ढक कर रखना है और सभी देवताओं का पंचोपचार पूजन अर्चन करना है। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः से माँ पार्वती का पूजन करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से भोलेनाथ का पूजन करना है, ओम षण्मुखाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः से भगवान कार्तिकेय का पूजन करना है, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः से गणेश जी महाराज का पूजन करना है, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः से चंद्रदेव का पूजन करना है। लड्डुओं का भोग अर्पण करना है, करवे के ऊपर 13 बिंदी रखनी है, गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुननी चाहिए, भगवान श्री गणेश जी की आरती करें, जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा का पूजन कर अर्घ प्रदान करें, उसके पश्चात अपने पति के चरण छुएं, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, मीठे पानी वाला करवा पति के हाथ में दें, पति अपने हाथ से उस मीठे जल का जो सेवन है वो अपने पति को करावे। धान से भरा करवा अपनी सासू जी को भेंट कर आशीर्वाद लें चरण छूकर, यदि वह जीवित ना हो तो परिवार के किसी अन्य सुहागन महिला को करवा भेंट करें, इसके पश्चात परिवार के साथ में सब मिलकर भोजन करें, तो इस प्रकार ये सरल विधि संपूर्ण होती है। बिल्कुल, तो बेहद सरल विधि जो है वो पंडित जी ने आपको बताई और उम्मीद करते हैं इस सरल विधि को आपने सुना होगा, समझा होगा, और आज जब आप पूजा करेंगे, जो पूजन समय पंडित जी ने बताया उसमें अगर आप पूजा करेंगे तो इस विधि से कीजिए, देखिए जल्दी से खुशी भी होंगे और जल्दी से चांद भी निकलेगा और पति की आयु में भी वृद्धि होगी और चौथ माता भी खुश होंगी। पंडित जी अब कॉल की तरफ बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ कमल जी चित्तौड़गढ़ से जुड़ गए हैं। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है, बताएं डेट ऑफ बर्थ और समय। शुभ आशीर्वाद। बच्चे के लिए पूछना था तारीख, बच्चे का तारीख है 17 सितंबर 1997 और समय है 3:25। बच्ची को बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, जयपुर से कर रही है, लेकिन उसका क्या चले था उसको 3:25 सुबह या शाम। चलिए, आपने समय पूरा, आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि सुबह शाम का जरूर हमें बता दिया करें, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, अगर सुबह की कुंडली अलग हो जाती, शाम की कुंडली अलग हो जाती। मैं दोपहर का समय मान के आपको बता देता हूं कि 17 सितंबर 1997 दोपहर में 3:25 पर बच्ची का जो जन्म है उसके हिसाब से कुंडली बहुत अच्छी है, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे इस बच्ची की जन्म कुंडली में, गवर्नमेंट जॉब करेगी, और आने वाला समय अभी वैसे 3 साल का जो राहु का पीरियड था बुध में राहु वो ख़त्म हो गया है, आगे आने वाले समय में अच्छा प्लेसमेंट भी होगा और तरक्की भी करेगी। कुंडली के अंदर जो दोष है वो एक विष दोष है, विधिवत उसकी पूजन अर्चन करवा लीजिएगा, गुरु नीच का उसकी भी विधिवत पूजन अर्चन करवा लीजिएगा,
बाकी कुंडली अच्छी है, आपके साथ पीढ़ियों का नाम रोशन करेगी, इसमें कोई दो राय। जी अपनी जी हरजिंदर जी का कॉल लेते हैं, अजमेर से ये जुड़े हैं, बेटे सुप्रीत के लिए जाना है। हरजिंदर जी बताएं डेट ऑफ बर्थ और समय बेटे का। बेटे का जन्म है 29/9/91। जी समय बताएं। समय 8:23 और पंडित जी कुंडली में डांस करनी थी, लड़की की डेट ऑफ, लड़की का नाम पूजा है और डेट ऑफ बर्थ 24/10/93 और समय 6:51 शाम का। बेटा थोड़ा धीरे धीरे बोले, इतनी जल्दी फास्ट नहीं होता है, लड़के का वापस बोले। लड़के का है 29/9/91 समय 8:23 सुबह का। बच्ची का बोले, बच्ची का नाम पूजा हाँ, और डेट ऑफ बर्थ 24/04/93 समय 6:51 शाम का। देखिए जहाँ तक आपने जो मिलान के लिए डेट्स दिए हैं उसके अंदर 20 गुण मिलते हैं, नाड़ी दोष इसके अंदर आता है। लड़की की जन्म कुंडली में एक समस्या है कि इसके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है वो मंगल नीच का है, बाकी इसकी कुंडली अच्छी है लेकिन बुध भी साथ में, भाग्य स्थान का स्वामी बुध भी नीच का होके बैठा है। अपने बच्चे के जितने अच्छे ग्रह हैं उसके मुकाबले इस लड़की के ग्रह उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि दाम्पत्य घर का स्वामी बुध नीच का, मंगल नीच का होना और भाग्य स्थान का स्वामी बुध भी नीच का होना, मेरे हिसाब से ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। किसी दूसरे ऑप्शन के ऊपर आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि गण दोष भी है और उसके साथ में नाड़ी दोष भी है। जी और पंडित जी लक्ष्मण जी का कॉल लेते हैं, बीकानेर से जुड़ गए हैं। बेटे अभिनव के लिए इन्होंने जाना है, 5 जुलाई 2008 और 3:48 शाम का समय। लक्ष्मण जी बहुत बहुत स्वागत है, बताएं सवाल। पंडित जी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार बिश्नोई है, मैं बीकानेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी बोलिए गुरु जी। मेरे बच्चे का शाम का जन्म है 3:48। प्रश्न पूछिएगा जी। मैं इसके बारे में आगे ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें आगे का भविष्य इसका कैसा रहेगा, क्या रहेगा। एक तो जहाँ तक आपके बच्चे लक्ष्मण जी, आपके बच्चे का अभिनव की जन्म कुंडली का सवाल है, पहली बात तो यह है कि अश्लेषा नक्षत्र का इसका जन्म है, गणमूल नक्षत्र कहलाता है। पैदा होते ही 27वें दिन पूजन अर्चन होती है, शनि का दान होता है, डाकोत का दान जाता है, हवन होता है। आशा करते हैं आपने करवाया होगा, यदि नहीं करवाया है तो करवा लीजिएगा। बाकी इस बच्चे की जन्म कुंडली में अभी फिलहाल केतु की 7 साल की महादशा शुरू हुई है, 2026 तक रहेगी। तत्पश्चात में शुक्र की महादशा शुरू होगी 2027-26 के पश्चात, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। कुंडली बहुत अच्छी है, चंद्रमा स्वग्रही है, बुध भी मित्र राशि पे, गुरु स्वग्रही है, धनवान बनेगा और टेक्निकल लाइन में नहीं डालना है, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा ये, या तो MBA कर सकता है या कॉमर्स में जा सकता है या जुडिशरी में जा सकता है, वकालत कर सकता है, जज बन सकता है। बाकी कुंडली अच्छी है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल, तो आप लक्ष्मण जी बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका बेटा जो है वो बहुत अच्छा आपका नाम करने वाला है, सफलता उसको मिलने वाली है। पंडित जी आगे अल्पना जी का कॉल लेते हैं। अल्पना जी हमारे साथ नसीराबाद से जुड़ी हैं, जो अपने पति के लिए जानना चाहती हैं। 11/1964 डेट ऑफ बर्थ, 10:26 रात का समय। अल्पना जी सवाल बताएं। जी अल्पना जी सुन पा रही हैं आप, तो सवाल बताएं। स्वास्थ्य जान लेते हैं पंडित जी इनका। देखिए जहाँ तक आपके पति की जन्म कुंडली का सवाल है, शनि की महादशा इनको चल रही है, उसमें भी बुध का अंतर है, कालसर्प दोष है, विधि विधान पूर्वक आप इनके कालसर्प दोष की पूजा करवाइएगा। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, मंगल उच्च का है, शुक्र उच्च का है, गुरु स्वग्रही है, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, शेयर मार्केट का काम नहीं करें, किसी को जमानत गारंटी इत्यादि का काम नहीं करें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, गौ सेवा नियमित रूप से करें, निश्चित तौर पर फायदा होगा। जी और दर्शकों अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो हम आपको उपाय देंगे और साथ ही साथ करवा चौथ पर किए जाने वाले कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की, यानी आज जब करवा चौथ है तो आपको किस तरह से पूजन करना है, और साथ ही साथ पंडित जी कुछ उपाय आपसे जानना चाहेंगे जिससे कि पति पत्नी के बीच प्यार बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। जी आइए, पूर्ण दाम्पत्य सुख को बनाए रखने के लिए करवा चौथ से शुरू करने वाले कुछ अत्यंत ही अनमोल चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप अपने पति का प्रेम प्राप्त करना चाहती हैं, आपको लगता है कि आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक चमत्कारिक उपाय है। लाल रंग के सूती कपड़े की थैली में, पीली सरसों के साथ दो अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर एक पर पति का तथा एक पर अपना नाम केसर से लिखकर, गोमती चक्र पे एक पर पति का और एक पर अपना नाम केसर से लिखकर उसे लाल रंग की सूती थैली में बंद कर दीजिएगा और अपनी अलमारी में रख दीजिएगा। आप देखिएगा जिस तरीके से वो एक थैली में दोनों बंद होके साथ में रहेंगे, ठीक उसी प्रकार आपका और आपका पति के बीच का जो प्रेम है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, पति का आपके अंदर इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा और वो आपको प्रेम करने लगेंगे। वहीं यदि आपके पति का किसी पराई औरत के ऊपर ध्यान हो, आप अपनी सौतन को लेके बहुत परेशान हैं, तो यदि पति की पराई स्त्री पर आसक्ति हो, उसका सारा ध्यान उसी महिला पर लगा रहता हो, आपके हिस्से का प्यार भी उस महिला को मिलता हो, तो करवा चौथ के दिन साबूदाने की खीर में, मिश्र मिलाकर पति को अपने हाथ से खिलाइएगा। निश्चित तौर पे पति का पूर्ण प्रेम, सारा प्रेम, अनमोल प्रेम सिर्फ और सिर्फ आपको ही प्राप्त होगा। वहीं यदि पराई स्त्री के कारण पति आपका अपमान करते हो, किसी दूसरी महिला के कारण पति आपका अपमान करते हो, तो करवा चौथ पर बेसन के लड्डू, दो आटे की टिकिया, केले, भिगोई हुई चने की दाल, गौ माता को अपने हाथ से खिलाइएगा। खिलाते समय गौ माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे गौ माता, मुझे मेरा मन चाहा वरदान देना, फल प्रदान करना, मेरे दाम्पत्य जीवन को सुखी रखना, मेरी दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करना। आप देखिएगा इस सरल से उपाय से कुछ ही दिनों में आपके पति सन्मार्ग पर आ जाएंगे, कुमार्ग से सुमार्ग पर चलते हुए दिखाई देंगे। यदि ऐसी गाय जो बछड़े को दूध पिलाती हो उसको खिलाएं तो चमत्कार से कम नहीं है। ये उपाय आपको करवा चौथ से शुरू करके कम से कम 5 गुरुवार तक अवश्य करना है। निश्चित तौर पर पराई औरत से आसक्ति भी खत्म होगी, आपके अंदर उनका प्रेम जागृत होगा और पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल, तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस करवा चौथ पर आपके पति से आपको प्यार मिलता रहे, आपके बीच में जो प्यार है वो बना रहे, प्रेम संबंध बने रहे, उसके लिए क्या उपाय करने हैं वो पंडित जी बता रहे हैं, आगे भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ अंजलि जुड़ गई हैं पंडित जी, उनका कॉल ले लेते हैं और ये हमें डेट ऑफ बर्थ बताती हैं अपना, 17/8/1988 और 10:48 का शाम का समय, यानी रात का समय। अंजलि जी स्वागत है, सवाल बताएं। बेटा बोलिए, आवाज वापिस नहीं आई आपकी। तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और मुझे ये पूछना है कि मुझे बाहर कब तक रहना है, मतलब मुझे कब रहना शुरू कर दूँ बाहर, मतलब सेपरेट अलग। अभी हम जॉइंट में रहते हैं तो मुझे अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, गुरु की महादशा आपको चल रही है, गुरु की महादशा में भी शुक्र का अंतर आपका शुरू हुआ है। आपके दाम्पत्य जीवन का पिछले कुछ समय से जो उतार चढ़ाव चलने वाला पीरियड था वो पीरियड अब खत्म हो चुका है।
2020-21 आपके दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और बहुत जल्दी 2020 में आपकी मनोवांछित मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। आप सेपरेट होकर रहने लगेंगे अगले वर्ष। रात को सोते समय पति के सिरहाने के नीचे मांग में भरने वाला सिंदूर रखें, खुद के सिरहाने के नीचे कपूर की टिकिया रखें। सुबह उठ के स्नान करके जो है वो सिंदूर अपनी मांग में भर के रखें और कपूर की टिकिया बेडरूम में जलाएं। 40 दिन ये उपाय कीजिएगा। बाकी आपकी कुंडली अच्छी है, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कीजिएगा। सोते समय सिर पूरब या दक्षिण दिशा में रख के सोइएगा, निश्चित तौर में काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल। और दीपिका जी का कॉल लेते हैं, ये रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपिका जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताती हैं, 19/5/1985 और 5:32 का सुबह का समय। दीपिका जी बताएं सवाल क्या है। प्रणाम पंडित जी, शुभ आशीर्वाद बेटा। हमारा नाम लिपिका है, एल से LIPIKA। लिपिका, हमारी जन्म तिथि 19 मई 1985 है। ओके। 19 में 1985 सुबह 5:32 AM 5:32 AM सुबह और जन्म स्थान रायपुर। सवाल क्या है जी? पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य तो अच्छा है लेकिन मुझे मेरी राइट वाली किडनी में एक प्रॉब्लम का पता चला है। मेरी किडनी का की कार्य क्षमता तो अच्छी है, तो आपसे प्रार्थना है कि कोई ऐसा उपाय बताएंगे कि ये जो फंक्शन है ये वैसा ही बना रहे और मैं भविष्य में सर्जरी से बच जी। देखिए बेटा दीपिका, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, राहु की मा दशा चल रही है, आपके आयु स्थान का, आपके बीमारी के घर का जो स्वामी है गुरु, वो आपकी कुंडली में नीच का है। यदि आप चाहती हैं कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, एक तो तांबे का पानी पीना है, तांबे के बर्तन का पानी पीना है, तुलसी के पत्तों का, 5 तुलसी के पत्तों का सेवन आपको नियमित रूप से करना है रविवार को छोड़ के, और तांबे के बर्तन का पानी पीना है। दूसरा, एक सफ़ेद पुखराज, येलो नहीं, पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज, सफ़ेद सोने में इंडेक्स फिंगर में अंगूठे के पास वाली उंगली के अंदर आपको धारण करना है। गुरुवार के दिन केले के पौधे की आपको परिक्रमा करनी है, घी का दीपक लगाना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 11-21 बार जाप करना है। बहुत जल्दी आपकी सेहत में सुधार होगा, आप निश्चिंत रहिए, कोई बड़ी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और अपने वजन के बराबर गुड़ का दान अपने जन्मदिन पे गौशाला पे अवश्य कर दीजिए। बिल्कुल। और करवा चौथ पर विशेष उपाय पंडित जी आप हमें दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पति पत्नी के बीच कैसे जो प्यार है वो बना रहे, आगे भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल। यदि आपके पति के किसी और महिला के साथ संबंध हो तो एक सरल सा उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। पीपल के सूखे पत्ते या भोजपत्र के टुकड़े पर उस महिला का, उस औरत का नाम लिख दीजिएगा जो आपके पति के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। तो उस औरत का नाम लिखकर भोजपत्र पर कपूर की 3 टिक्की किसी चीनी प्लेट पर रखकर उसको जला दीजिएगा। निश्चित तौर पर करवा चौथ के दिन किए गए इस उपाय से पति के बाहरी संबंध शीघ्र ही छूट जाएंगे। ऐसा सप्ताह में 3 बार अवश्य करना है। करवा चौथ से ये उपाय आप शुरू कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बनाए रखने के लिए नियमित रूप से केले के पौधे और पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गुरुवार को केले व पीपल दोनों के वृक्ष को जल अर्पण करें, घी का दीपक अर्पण करें। शनिवार को पीपल में सरसों के तेल का दीपक अर्पण करें, मीठा जल उसकी जड़ में अर्पण करें। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा और किसी तरह की समस्या रुकावटें दूर होंगी। वहीं यदि घर में पति पत्नी के मध्य बहुत ज़्यादा कलेश होता हो, तू मैं होती हो, बात बात पे लठ बसते हो, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को सुबह स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करके कम मीठे सफ़ेद चावल बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होने चाहिए। फिर उन्हें किसी बड़े पात्र में निकाल कर उसमें थोड़ा सा बूरा और शुद्ध घी मिलाकर गौ माता को खिलाइएगा। इस प्रकार लगातार 21 शुक्रवार तक गौ माता को चावल बूरा खिलाने से आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में रोजाना होती तू मैं कलह कलेश लठबाजी परमानेंटली खत्म हो जाएगी, प्रेम मोहब्बत का संचार होगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, इतनी सारी जानकारी के लिए।
आप सभी का आज करवा चौथ का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, सोमवार से शनिवार आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, और करवा चौथ की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार।